हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आई एस। यू पी एस सी ई पी एफ ओ की सीरीज़ में करंट अफेयर का आज हमारा 6th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम मई 2021 के करंट अफेयर देखेंगे 11 मई से लेकर 17 मई तक के, और कल हमारा एक लेक्चर और आएगा, उसके बाद मई का करंट अफेयर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले हम जून 2021 का करंट अफेयर्स कंप्लीट कर चुके हैं, अगर जिसने नहीं देखा हो वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर करंट अफेयर्स के लेक्चर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी पहली न्यूज़ से। आज की पहली न्यूज़ है हमारी आज की कि हाल ही में अभी मई में तीन वेराइटीज़ को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्राप्त हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की न्यूज़, क्योंकि एग्रीकल्चर की न्यूज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर, कोरोना वायरस, ये हमारा और इकॉनमी, ये कुछ सेक्टर ऐसी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे यहाँ लगातार पिछले 2 साल से न्यूज़ में है और बहुत ज़्यादा चर्चा में है, और इन्हीं चीज़ों पर ऐसे ही हॉट इशूज़ पर UPSC फोकस करती है। इसी तरह कल्चर पर बहुत ज़्यादा UPSC फोकस करती है। तो इन सारे जो टॉपिक हैं, ये टॉपिक इनसे रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है उस पर आप गहरा एकदम फोकस करके रखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो हाल ही में तीन वेराइटीज़ को GI टैग प्रदान किया गया है। ये किस्में पूर्वी क्षेत्र में यानी कि नॉर्थ ईस्ट में और ईस्टर्न क्षेत्र में आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इनको GI टैग दिया गया है। तो इसमें दो किस्में तो हैं पश्चिम बंगाल की, जिसमें खिरसापति और लक्ष्मण भोग, ये आपको पता होना चाहिए। मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि कौन मैच द फॉलोइंग में, कि आपको नाम दे दिया जाएगा प्रजाति का, इस किस्म का वैरायटी का, और सामने लिख दिया जाएगा कि कौन से फल की या सब्जी की वैरायटी है, या फिर आपसे स्टेट पूछ लिया जाएगा कि ये वैरायटी किस क्षेत्र में होती है या किस क्षेत्र की वैरायटी है जिसको GI टैग मिला है। तो कई तरह से क्वेश्चन किया पूछा जा सकता है। वैसे हम आपको 10th अगस्त के बाद आपको करंट अफेयर्स के MCQs भी प्रोवाइड कराना शुरू करेंगे। तो हमारा इसमें खिरसापति और लक्ष्मण भोग दो ये पश्चिम बंगाल की वैरायटीज़ हैं, और एक जर्दालू ये बिहार की वैरायटी है। ये तीनों वैरायटियों को GI टैग प्रदान किया गया है इनके एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा आम की 16 किस्मों का बहरीन को निर्यात किया जा रहा है, यानी कि इन तीन के अलावा 13 किस्में और हैं जिनका निर्यात एक्सपोर्ट किया जाता है बहरीन को। अब इसकी कुछ आम के बारे में कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। आम को भारत में आमों का फलों का राजा कहा जाता है। इसे प्राचीन शास्त्रों में कल्प वृक्ष कहा गया है, इच्छा देने वाला पेड़। जबकि भारत के अधिकांश राज्यों में आम के बागान हैं। उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना, कर्नाटक और बिहार का फल के उत्पादन में, आम के फल के उत्पाद कुल उत्पादन में बड़ा हिस्सा है। और एक अल्फांसो, कैसर, तोतापुरी, बग्गनपल्ली भारत से निर्यात की जाने वाली प्रमुख किस्में हैं। तो ये आपको किस्में जो न्यूज़ में रही हैं, आम की वैरायटीज़ जो एक्सपोर्ट की जा रही हैं, क्योंकि इससे एग्रीकल्चर को देखिए प्रॉफिट होता है, और एग्रीकल्चर को हो रहा है प्रॉफिट तो इसका मतलब किसानों को हो रहा है प्रॉफिट, तो फार्मर्स को प्रॉफिट के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़ हमारे लिए। आम का निर्यात मुख्य रूप से 3 रूप में होता है। ताज़ा आम, एक तो देखिए फ्रेश मैंगोज होते हैं, इनका आमों का जो निर्यात किया जाता है वो 3 तरह से किया जाता है। एक तो फ्रेश मैंगोज जो होते हैं इसी तरह पूरे पके हुए, इनको निर्यात किया जाता है। दूसरा आम का गूदा जो होता है पल्प जो होता है उसको निर्यात किया जाता है, यानी कि उनको पैकेजिंग करके और उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स डालकर ताकि उनको ख़राब होने से बचाया जा सके, आम के गूदे को निर्यात किया जाता है पल्प को। और आम के टुकड़े जो स्लाइस होते हैं, जैसे आप आम खाते होंगे काट कर, तो स्लाइस में इस तरह के स्लाइस भी आम के निर्यात किए जाते हैं। तो इन 3 तरह से आम को एक्सपोर्ट किया जाता है। दूसरी न्यूज़ है हमारी 100 परागण वाली सेब की नई किस्म, यानी कि सेल्फ पॉलिनेटेड। तो हमारे यहाँ आज के लेक्चर में एग्रीकल्चर से रिलेटेड न्यूज़ ज़्यादा है और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक आध क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। हिमाचल प्रदेश के किसान ने 100 परागण वाली सेब की एक नई किस्म विकसित की है, यानी कि किसान के द्वारा विकसित की गई है, तो इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, किसी साइंटिस्ट द्वारा नहीं की गई है विकसित। तो ये सेल्फ पॉलिनेटेड है और इसमें फूल आने और फल लगने में लंबे समय तक ठंड की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि आपको पता होगा कि सेब की जो किस्म है एप्पल जो है, एप्पल कहाँ पर पैदा होता है, एप्पल ठंडे प्रदेशों का फल है। यहाँ पर आपको UP और बिहार में तो पैदा होता नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे हिमाचल में और जम्मू कश्मीर लद्दाख के रीजन में। तो यहाँ पर एप्पल की प्रजाति को है, इस प्रजाति को ज़्यादा ठंड की आवश्यकता नहीं होती है। ये कौन है, किसने प्रजाति विकसित की है, श्री हरिमन शर्मा, ये प्रगतिशील किसान है बिलासपुर जिले के, बिलासपुर जिला हिमाचल प्रदेश के पनियाला गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने सेब की नई किस्म, इस किस्म को क्या नाम दिया गया है, HRMN किसके नाम पर दिया गया है, हरिमन शर्मा के नाम पर, HRMN 99। देखिए हरिमन शर्मा, क्योंकि जो प्रजाति जिसके द्वारा विकसित की जाती है ज़्यादातर ये होता है कि या तो उस साइंटिस्ट या उस व्यक्ति के नाम पर प्रजाति का नाम रखा जाता है, या फिर वो जिस क्षेत्र में विकसित की जाती है या जिस क्षेत्र में उसका डिस्कवर किया जाता है, अगर उसको कहीं खोजा गया है तो उसको उस क्षेत्र के नाम पर नाम दिया जाता है, या अगर किसी के द्वारा विकसित की गई है तो उस साइंटिस्ट के द्वारा या उस व्यक्ति के द्वारा उसका नामकरण किया जाता है, उसके नाम पर नामकरण किया जाता है। अब हरिमन शर्मा को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा 9वें राष्ट्रीय द्विवार्षिक ग्रास रूट इनोवेशन एंड आउटस्टैंडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज सर्विस
नॉलेज अवार्ड्स के दौरान 2017 में एक राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। देखिए, क्योंकि इसको इनको हरिवंश शर्मा को तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है 2017 में, तो इसलिए ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये इनका व्यक्तित्व, इनकी पर्सनालिटी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एग्जाम परस्पेक्टिव से। फिर है अगली स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021 रिपोर्ट। स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया अजीम प्रेम जी की यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट बेंगलुरु द्वारा सालाना स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021 ईयर ऑफ कोविड 19 का एक वर्ष शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में किसको कवर किया गया है, इसकी अवधि जो है मार्च 2020 से दिसंबर 2020 थी। ये किस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करती है, रोजगार पर यानी कि एम्प्लॉयमेंट, आय पर, इनकम पर, असमानता इनइक्वालिटी पर और गरीबों पर कोविड 19 के एक वर्ष का प्रभाव, यानी कि मार्च 2020 से दिसंबर 2020 के टाइम पीरियड में गरीबों पर क्या प्रभाव पड़ा है कोविड 19 का, इस पर ये रिपोर्ट ध्यान अपना केंद्रित करती है। अब इस रिपोर्ट का प्रभाव क्या है, अप्रैल मई 2020 से यानी कि 2020 अप्रैल से मई 2020 के लॉकडाउन के दौरान 10 करोड़ नौकरियां गई हैं इस रिपोर्ट में बताया गया है, और हालांकि इनमें से अधिकांश श्रमिकों को जून 2020 तक रोजगार मिल गया था, लेकिन लगभग 15 मिलियन काम से बाहर रहे, लेकिन 15 मिलियन लोग ऐसे थे जिनको फिर भी काम नहीं मिला। अब चार सदस्यों के, अब इसमें कुछ डेटा दिया गया है, चार सदस्यों के औसत परिवार के लिए, ऐसे परिवार जिसमें औसतन चार सदस्य हैं तो उनको 2020 में मासिक प्रति व्यक्ति 4,979 रुपये आय थी, उनकी जो आय थी लगभग 5,000 रुपये के आसपास थी, जबकि यही आय जनवरी 2020 में प्रति व्यक्ति कितनी थी, लगभग 5,989 रुपये। तो इनकी आय जो है अक्टूबर तक घट गई, ये बताया गया है। महामारी के दौरान श्रमिकों की मासिक आय में औसतन 17% की गिरावट आई, जिसमें स्वनियोजित यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड और अनौपचारिक वेतन होगी, यानी कि जो अनौपचारिक इनफॉर्मल जो सैलरी बेस्ड होते हैं श्रमिक लेबर होते हैं, यानी कि जो मौसमी जो श्रमिक होते हैं जिनको सीजनल काम मिलता है, इनकी सबसे अधिक कमाई का नुकसान हुआ। लॉकडाउन के बाद लगभग आधे वेतन भोगी कर्मचारी या तो स्वरोजगार यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट 30%, आकस्मिक वेतन यानी कि सीजनल वेतन जिनका होता है 10%, और अनौपचारिक वेतन भोगी यानी कि इनफॉर्मल वेजेस वाले जो 9% के रूप में अनौपचारिक रूप में चले गए थे। जो निचले सबसे नीचे के 20% जो लोग हैं गरीबों में, उनको उन्होंने परिवार उनके परिवारों ने अप्रैल और मई 2020 के महीनों में कुछ भी नहीं कमाया, यानी कि जो लीस्ट सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ गरीब परिवार हैं उसका 20%, यानी कि सबसे नीचे के 20% लोगों का कोई भी किसी भी तरह का कारोबार, इनका किसी भी तरह की अर्निंग नहीं हुई है अप्रैल से मई 2020 के दौरान। और दूसरी ओर लॉकडाउन के दौरान शीर्ष 10% जो लोग हैं यानी कि सबसे ज़्यादा पैसे वाले 10% लोग जो हैं भारत में, उनको सबसे कम नुकसान हुआ है। और कमाल की बात यह है कि उनको जो नुकसान हुआ है वो सिर्फ फरवरी में, उनकी लास्ट ईयर फरवरी 2020 की आय में ही, आय का जो 2020 की आय का कुल 20% का ही नुकसान हुआ है, केवल एक महीने की आय का 20% नुकसान हुआ है, बाकी उनको किसी महीने नुकसान ही नहीं हुआ है। अगली इसमें हमारी न्यूज़ है स्वामित्व, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिए। स्वामित्व योजना इस बार आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, बिल्कुल नई लॉन्च हुई है स्कीम अप्रैल में और इसके पूछे जाने की 100% पॉसिबिलिटी है। ये स्कीम पंचायती राज मंत्रालय द्वारा स्वामित्व नाम से लॉन्च की गई है। अब स्वामित्व का मतलब क्या है, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, गांवों के सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में सुधारित प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण। ये केंद्र क्षेत्र की योजना है यानी कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि फुल्ली ये जो इसका फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसे 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय पंचायती दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, पर्पस ग्रामीण क्षेत्र के लिए, भारत के लिए एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना, यानी कि इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी सर्टिफिकेशन, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन या सत्याप सर्टिफिकेशन रजिस्ट्रेशन समाधान प्रदान करना। नोडल मंत्रालय कौन है इसमें, पंचायती राज मंत्रालय, तो ये बहुत जरूरी है याद रखना इसको आपके लिए कि नोडल मंत्रालय इसमें पंचायती राज मंत्रालय है। और इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, सर्वे ऑफ इंडिया एक प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन एजेंसी, यानी कि ये इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है इसकी, वो है सर्वे ऑफ इंडिया, आपकी सर्वे ऑफ इंडिया इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है और पंचायती राज मंत्रालय नोडल एजेंसी है जिसने इसको जिसके द्वारा ही लॉन्च किया गया है। ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों का सीमांकन, ड्रोन सर्वेक्षण और COORS सतत संचालन, सस्टेनेबल ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन, ड्रोन सर्वेक्षण और COORS नेटवर्क का उपयोग करके किया जाएगा, जो 5 सेंटीमीटर की मानचित्रण सटीकता प्रदान करता है, यानी कि इसमें जो एक्यूरेसी है वो इसकी एक्यूरेसी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर तक की एक्यूरेसी के साथ ये मानचित्रण प्रदान करेगा ड्रोन के द्वारा। ये गांवों में बसे हुए ग्रामीण क्षेत्रों में घर रखने वाले गांवों के घर के मालिकों को अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करेगा। अब इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन ये 2021 से 2025 के दौरान
पूरे देश में के लगभग 6 पॉइंट, इसका एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक फैक्ट आपको एग्जाम परस्पेक्टिव से हर हालत में याद रखना है। 6.62 लाख गांवों को कवर करेगा। ग्रामीण भारत के नागरिकों की उनकी संपत्ति को ऋण और अन्य वित्तीय लाभ के लिए वित्तीय संपत्ति के रूप में उपयोग करने में सक्षम बनाकर वित्तीय स्थिरता लाना इसका उद्देश्य है। ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि अभिलेखों का निर्माण करना, संपत्ति कर का निर्धारण करना, सर्वेक्षण के बुनियादी ढांचे और GIS भौगोलिक सूचना प्रणाली मानचित्रों का निर्माण, जिनका उपयोग किसी भी विभाग द्वारा उनके उपयोग के लिए किया जा सकता है। GIC मानचित्रों का उपयोग करके बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने में सहायता करना और संपत्ति संबंधी विवादों और कानूनी मामलों को कम करना इसका उद्देश्य है। अगली न्यूज़ है हमारी ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड, यानी कि ये दूसरा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है समुद्र सेतु के नाम से। हाल ही में भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों की शिपमेंट के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड शुरू किया है। यानी कि ये जो ऑपरेशन शुरू किया गया है ये किस लिए, जैसे कि आपको पता होगा अप्रैल से मई के दौरान जो कोरोना वायरस की सेकंड वेव आई थी उसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी महसूस की गई थी। ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो बाहर से इंपोर्ट की जा रही थी ऑक्सीजन, उसके शिपमेंट लाने के लिए जिन जहाज़ों को, जिन पानी के जहाज़ों को, शिप्स को नियुक्त किया गया था, उन्हीं शिप्स के को ऑपरेशन समुद्र सेतु नाम दिया गया है। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु में 7 जहाज ऑपरेट किए गए थे। ये 7 भारतीय नौसेना के जहाज कौन से थे, जिसका नाम है कोलकाता, दूसरा कोची, तीसरा तलवार, ये नाम शहरों के नाम पर हैं, आप ये मत समझना कि शहर का नाम है, ये शिप का नाम है, कोलकाता, कोची, तलवार, ताबर, त्रिकंद, जलाशवा और एरावती। ये 7 जो नेवी के 7 शिप्स को, नेवी के 7 शिप्स को ऑपरेशन सेतु में समुद्र सेतु के तहत यहाँ से भेजा गया था ऑक्सीजन कंटेनर लाने के लिए। तो ये विभिन्न देशों से तरल चिकित्सा ऑक्सीजन यानी कि लिक्विड ऑक्सीजन लाए थे भरे कंटेनरों और संबंधित चिकित्सा उपकरणों के शिपमेंट के लिए इनको तैनात किया गया था। 2 जहाज INS कोलकाता और INS तलवार ये मुंबई में 40 टन तरल ऑक्सीजन वापस लेकर आए थे, कहाँ से, मनामा से और बहरीन के बंदरगाह से। और INS जलाशवा ये बैंकॉक से लेकर आया था और INS एरावत ये मिशन सिंगापुर से लेकर आया था, ये सिंगापुर से ऑक्सीजन को लेकर आया था। तो आपके लिए मेन चीज़ याद रखने वाली ये है कि ऑपरेशन समुद्र सेतु किससे रिलेटेड है और ये ऑपरेशन समुद्र सेतु के अंतर्गत कितने जहाज़ों को भेजा गया था। तो इसके अलावा इतनी डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। अब ऑपरेशन समुद्र सेतु वैसे तो मई 2020 में लॉन्च किया गया था, वंदे भारत मिशन के साथ शुरू किया गया। VBM यानी कि वंदे भारत मिशन कोरोना वायरस प्रेरित यात्रा प्रतिबंधों के बीच विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए सबसे बड़ा नागरिक निकासी अभ्यास है। यानी कि वंदे भारत मिशन जो शुरू किया गया था, सबसे पहले ये विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को लाने के लिए, भारत वापस लाने के लिए शुरू किया गया था। अब उसके अलावा क्या है, 1990 में खाड़ी युद्ध की शुरुआत में 177,000 लोगों को बड़े पैमाने पर एयरलिफ्ट करके कराया गया। इस ऑपरेशन में भारतीय नौसेना के जहाजों जलाशव और एरावत, शार्दुल और मगर ने भाग लिया। COVID-19 के प्रकोप से बचे पड़ोसी देशों में फंसे लगभग 4,000 भारतीय नागरिकों को सफलतापूर्वक भारत वापस लाया गया। भारतीय नौसेना के पहले 2006 बेरूत में और ऑपरेशन सुकून और 2015 यमन में ऑपरेशन राहत के हिस्से के रूप में इसी तरह के निकासी अभियान शुरू किए गए थे। अगली न्यूज़ है हमारी दुनिया का सबसे पुराना पानी। अब पानी कैसे पुराना हो सकता है, ये देखिए, ये रिसर्च की, ये डिस्कवरी हुई है कनाडा में। कनाडा में दुनिया का सबसे पुराने पानी के जीवाश्म मिले हैं, यानी कि अवशेष मिले हैं। ये इसका क्या उद्देश्य है, इसमें कनाडा के भूवैज्ञानिकों ने द्वारा किया गया 2016 का एक अध्ययन है, जिसमें विशेष रूप से मंगल ग्रह पर विदेशी यानी कि एलियन की लाइफ की खोज में प्रदान किए गए सुरागों के लिए ये महत्वपूर्ण शोध है। ये टोरंटो विश्वविद्यालय के डॉक्टर बारबारा शेरवुड लोलर द्वारा इसकी खोज की गई है, जिन्होंने 2009 में कनाडाई खदान से पानी निकाला था। तो ये किस खान में मिला है, ये जो पानी मिला है इसके अवशेष कहाँ पर मिले हैं, ये इसका भी नाम था लोलर द्वारा खोज की गई उस पर आधारित है। इसका जो अभी हम एक फैक्ट था इससे रिलेटेड, जैसे कि देखिए 2.7 अरब साल पुरानी कैनेडियन शील्ड पर स्थित किड क्रीक खदान, यह है किड क्रीक खदान, इसमें मिला है। ये किड क्रीक खदान आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जा सकती है, माइन, कौन सी, किड क्रीक माइन। तो इस खदान से इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो ये डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि ये खदान किस राज्य में या किस स्टेट में या किस कंट्री में स्थित है। तो ये क्रीक की उसकी फोटो है। अगली न्यूज़ है हमारी राज्यों को विशेष सहायता, स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने पूंजीगत परियोजनाओं पर खर्च करने के लिए राज्यों को ब्याज मुक्त यानी कि इंटरेस्ट फ्री 50 वर्षीय ऋण के रूप में 15,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है। देखिए, ये स्पेशल असिस्टेंट प्रोवाइड किया गया है COVID-19 की वजह से, जो इकोनॉमी पर एक इकोनॉमी को हर्ट हुआ है, इकोनॉमी जो हमारी डिप गई है उसको दोबारा बूम करने के लिए एक अतिरिक्त स्पेशल यानी कि इंटरेस्ट फ्री
15,000 करोड़ का इंटरेस्ट फ्री यहाँ लोन प्रदान किया गया है, यानी कि इसको एक तरह का एड कह सकते हैं आप। हालांकि ये लौटाना तो है, लेकिन इसमें बिना किसी इंटरेस्ट के लौटाना है। 50 साल तक के लिए इसको टाइम पीरियड के लिए दिया गया है, 50 वर्ष के, तो इकोनॉमी को बूम करने के लिए दिया गया है। स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स, तो इसको व्यय विभाग द्वारा जारी किया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर द्वारा। पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना पर दिशा निर्देश वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ये दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए योजना के 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि निर्धारित की गई थी। राज्यों को 11,830 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है। अब इसका उद्देश्य महामारी वर्ष में राज्य स्तरीय पूंजीगत व्यय को बनाए रखना, यानी कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर आप जानते होंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो देखिए यही टर्मिनोलॉजी आपका जो EPFO में इकोनॉमी का जो सेक्शन है, इकोनॉमी का, तो उसमें आपको इसी तरह की टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। और आप बिल्कुल ये देखिए, आप ये बात देख लेना, जब आप एग्जाम देने जाएंगे जिस दिन 5 सितंबर को, तो आप इकोनॉमी के जो क्वेश्चन देखेंगे वो 90% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्टली आपके कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होंगे। आपके 10% ही क्वेश्चन ऐसे होंगे इकोनॉमी के जो करंट से रिलेट करके पूछे जाएंगे, लेकिन होंगे वो भी आपके कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। आपके जो करंट के भी क्वेश्चन होंगे वो भी आपके कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होंगे। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर, आप में से बहुत से लोगों को पता होगा, ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जिसके द्वारा भविष्य में आपकी अर्निंग होती है, ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे आपकी रिवेन्यू जनरेट होगा। लेकिन रिवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा होता है जिससे किसी भी तरह का रिवेन्यू का जनरेशन ना हो, यानी कि जो आपका मेंटेनेंस का खर्चा है, जैसे किसी को सैलरी प्रोवाइड कराना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, तो ये सारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे कि एसेट निर्माण, कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया आपने, तो उससे आपको आगे चल के रिवेन्यू जनरेशन होगा। कोई आपने बिल्डिंग बनाई तो उससे आपको रेंट जनरेट होगा, आपको लीज पर आप देंगे तो आपको रेंट मिलेगा, तो इससे रिवेन्यू जनरेशन होगा। तो इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर को अच्छा माना जाता है, और इसलिए राज्यों को पूंजीगत व्यय करने के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर को बनाए रखने के लिए ये 15,000 करोड़ रुपए की 50 वर्षीय लोन फ्री, आप ये इंटरेस्ट फ्री सहायता प्रदान की गई है। वर्ष 2021-22 के लिए इस योजना को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। 2021-22 के लिए पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को, ये स्पेशल याद रखिए, पूंजीगत व्यय के लिए दिया गया है। यही टर्म देखिए, यही की पॉइंट है जहां पर आपको UPSC एकदम चकमा देने की कोशिश करेगी, तो आपको एकदम रीडिंग बिटवीन द लाइन पढ़ना है। ये छोटा सा टर्म होगा, आप बहुत से स्किप कर जाएंगे, एक सरसरी नजर में पढ़कर निकल जाएंगे इसको, लेकिन आपको यही टर्म आपको फोकस करनी है कि पूंजीगत व्यय के लिए दिया गया है। यहाँ राजस्व व्यय के लिए नहीं दिया गया है, ये पूंजीगत व्यय के लिए स्पेशली दिया गया है। राज्यों को विशेष सहायता योजना के इसमें 3 भाग हैं। अब इसके 3 पार्ट कौन से हैं? पार्ट 1 है योजना का यह हिस्सा उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों के लिए है, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स के लिए। इसमें 2600 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। इसमें असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड को 400 करोड़ रुपए मिलेंगे। इस समूह में शेष राज्यों को प्रत्येक को 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, यानी कि देखिए असम, हिमाचल और उत्तराखंड को 400 करोड़ रुपए मिलेंगे और बाकी सारे राज्यों को, हर राज्य को 200 करोड़ रुपए पर स्टेट प्रदान किया जाएगा। अब इसमें भाग 2 क्या है, देखिए इस जो स्पेशल असिस्टेंट प्रोवाइड किया गया है, ये 3 पार्ट में प्रोवाइड किया गया है। पार्ट 1 में हमारा ईस्टर्न स्टेट्स और हिली एरियाज, पार्ट 2 में क्या है, अन्य सभी राज्य, यानी कि हिली एरियाज के अलावा और नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज के अलावा, भाग 1 में शामिल स्टेट्स के अलावा बाकी सारे राज्यों को भाग 2 में रखा गया है। इनको 7400 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। इनका केंद्रीय करों में उनके हिस्से के अनुपात में इसका आवंटन किया जाएगा। केंद्रीय करों में हिस्सा कैसे निर्धारित होता है, वो होता है फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों के आधार पर। यह आपको पता होगा 2021-22 के लिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जो केंद्रीय करों में स्टेट का हिस्सा तय किया गया है, जैसे कि आपको पता होगा 42% किया गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 42% का जिस स्टेट्स को जितना किया गया था उसी के अकॉर्डिंग उनको ये सहायता राशि प्रदान की जाएगी। अब भाग 3 में कौन से राज्य हैं, राज्यों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए, ये किसी स्पेशल स्टेट के लिए नहीं है बल्कि राज्यों को इंस्पिरेशन के लिए, प्रोत्साहन के लिए दिया गया है। इसमें क्या है इंक्लूड, इसमें अवसर रचना, परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण या पुनर्चक्रण के लिए, यानी कि ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स जिनका मोनेटाइजेशन करने के लिए, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का विनिवेश करने के लिए, यानी कि जो राज्य अपने यहाँ के जो सार्वजनिक उपक्रम हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजिंग है, अगर उनका विनिवेश करेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उनको डिसइन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे राज्यों को कुछ एक्स्ट्रा फंड दिया जाएगा। 5,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है इसके लिए, और राज्यों को मिलेगा ब्याज मुक्त पैसा, 50 साल का कर्ज। अगली न्यूज़ हमारी जैविक उत्पादों का निर्यात। अब जैविक उत्पाद जो है हमारे, उनका निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए हिमालय में उगाए गए बाजरा की पहली खेप को डेनमार्क को निर्यात की जाएगी। देखिए आप देखेंगे कि इस साल जनवरी से लेकर अब तक एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही है। उसकी वजह क्या है कि किसको परसुएट करना, फार्मर्स को। जो फार्मर आप देख रहे हैं कि पिछले 8-10 महीने से
वो आंदोलन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं, तो उनको मनाने के लिए, ये उनको दिखाने के लिए, ये चीज़ शो करने के लिए कि देखिए हमारी जो बनाई हुई पॉलिसी है उससे कितना ज़्यादा लाभ हो रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि लगातार करंट में एग्रीकल्चर की न्यूज़ बनी हुई है, कहीं पर नई नई वैरायटी डेवलप हो रही है जिसका फ़ायदा बताया जा रहा है कि किसानों को कितना हो रहा है, कहीं पर नए नए प्रोडक्ट्स को GI टैग दिया जा रहा है जिसको एक्सपोर्ट करने में आसानी हो रही है जिसकी वजह से किसानों की इनकम बढ़ रही है, कहीं पर कोई किसान अपने आप ही इस किसी नई प्रजाति को विकसित कर रहा है तो उसको प्रमोट, उसको ज़्यादा मोटिवेट किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, तो ताकि ये दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि देखो हमारी से पॉलिसीज कितनी ज़्यादा बेहतर कारगर साबित हुई हैं। तो इसलिए आप इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है, 100% एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आएंगे इस बार एग्जाम में। और एग्रीकल्चर इकोनॉमी, इकोनॉमी तो हमारा सेक्शन का पार्ट है ही, और आपका कल्चर, कल्चर से भी क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे, क्योंकि देखिए बहुत से COVID-19 के दौरान आपको पता होगा कई सारी जगहों पर पूरे देश में रेस्ट्रिक्शंस थी, तो उन रेस्ट्रिक्शंस की वजह से कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जैसे कि स्पेशली ट्राइबल स्टेट्स, स्पेशली हमारे साउथ के स्टेट्स, सदर्न स्टेट जैसे कि केरल, तमिलनाडु, और स्पेशली हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, तो ये स्टेट ऐसे हैं जहां पर वार्षिक उत्सव होते हैं किसी फसल के कटाई के दौरान या किसी फसल की बुआई के दौरान, तो इनका कल्चर का पार्ट है, इनकी एथनिसिटी का पार्ट है उसकी, लेकिन वहाँ पर उसमें गैदरिंग होती है तो वो गैदरिंग करने से रोका गया है, तो इसलिए उनके वहाँ का जो कल्चर है वो प्रभावित हुआ है, नेगेटिवली प्रभावित हुआ है। तो इसलिए कल्चर पर बिल्कुल फोकस कीजिए, कल्चर से भी क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। फिर है एपिडा, इसको एपिडा के तहत किया गया है। एपिडा क्या है? कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। एपिडा का सोर्स क्या है? इसको निर्यात के लिए उत्तराखंड के किसानों से निर्यात किया गया है। वर्तमान में निर्यात किए जाने वाले जैविक उत्पाद, बशर्ते कि वे जैविक, राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम की आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादित, संसाधित, पैक और लेबल किए गए हों। लेकिन कैसे उत्पादों को, कैसे जैविक उत्पादों को एक्सपोर्ट किया जाता है? जो राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम की आवश्यकताओं के अनुसार या उनके मानकों के अनुसार जो हमारे वेरीफाई होते हैं, उन्हीं के वेरिफिकेशन के अनुसार, इस राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम की मानकों के अनुसार जो सही सटीक बैठते हैं, ऐसे ही प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जाता है। तो राष्ट्रीय जैविक उत्पाद कार्यक्रम देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम NPOP एपिडा द्वारा कार्यान्वित, इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। विदेशी व्यापार अधिनियम 1992 के तहत अधिसूचित किया जाता है। इसमें कौन कौन सी मदें शामिल हैं? फसल और उनके उत्पाद यानी कि क्रॉप्स और उनके प्रोडक्ट, लाइव स्टॉक यानी कि आपके पशु और पोल्ट्री उत्पाद, जलीय कृषि यानी कि एक्वाकल्चर, मधुमक्खी पालन, और आपका NPOP क्या है जो हमें अभी देख रहे थे, NPOP राष्ट्रीय राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम। तो इसमें क्या है, यूरोपीय संघ और स्विट्जरलैंड द्वारा ये मान्यता प्राप्त है। भारत को अतिरिक्त प्रमाणीकरण की आवश्यकता के बिना इन देशों को असंसाधित संयंत्र उत्पादों को निर्यात करने में सक्षम बनाता है, यानी कि भारत जो है उसको बिना सर्टिफिकेशन के ये NPOP भारत के उत्पादों को निर्यात करने के लिए ये छूट प्रदान करता है। ब्रेक्जिट के बाद के चरण में यूनाइटेड किंगडम को भारतीय जैविक उत्पादों के निर्यात की सुविधा प्रदान करता है, यानी कि जब से ब्रेक्जिट ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से एग्जिट हुआ है तो ब्रिटेन में भी हम अपने यहाँ के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। किस वजह से? क्योंकि हमारे यहाँ के NPOP सर्टिफाइड प्रोडक्ट हैं, सर्टिफिकेशन हमारे यहाँ के प्रोडक्ट को प्राप्त है। अगली है मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, 5G टेक्निक, 5G टेक्नोलॉजी से हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की भी संभावना है। अब ये दूर संचार विभाग ने दूर संचार सेवा प्रदाताओं को 5G तकनीक के उपयोग और अनुप्रयोगों के लिए परीक्षण करने की अनुमति दी है। यह औपचारिक रूप से हुवाई और ZTE जैसी कंपनियां, चीनी कंपनियों को भारत में 5G की दौड़ से बाहर करता है। भारत में दूर संचार बाजार क्या है? टेली कम्युनिकेशन जो मार्केट है वो केवल 3 निजी दूर संचार कंपनियों के पास है इस वक्त, केवल सिर्फ इसमें 3 ही दूर संचार कंपनियां हैं प्राइवेट सेक्टर में जो काम कर रही हैं। शेष वर्षों में निवेश पर कम रिटर्न के लिए बाकी कंपनियां बंद हो गई, जैसे कि आपको पता ही होगा काफ़ी सारी कंपनियां स्विच कर गई हैं। 2 सरकारी कंपनियां कौन सी बची हैं? MTNL और दूसरी है भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL, ये बच गई हैं लेकिन घाटे में चल रही हैं। प्रति उपयोगकर्ता अपने औसत राजस्व को बढ़ाने के लिए दूर संचार कंपनियों के लिए उचित है कि वे जल्द से जल्द नई 5G तकनीक की पेशकश शुरू करें। परीक्षण एक्सपेरिमेंट क्या है? उपकरणों की खरीद और स्थापना के लिए 2 महीने की अवधि सहित 6 महीने का इनको परीक्षण समय दिया गया है। TSP को विभिन्न बैंडों में प्रायोगिक स्पेक्ट्रम प्रदान किया जाएगा। इसके अनुप्रयोग क्या है यानी कि एप्लीकेशन क्या है 5G टेक्निक के? टेली मेडिसिन, टेली एजुकेशन, संवर्धित आभासी वास्तविकता यानी कि आपकी वर्चुअल रियलिटी पर बेस्ड, ड्रोन आधारित कृषि निगरानी आदि का परीक्षण किया जाएगा इस टेक्नोलॉजी के डेवलप होने के बाद। परीक्षण के दौरान उत्पन्न डेटा भारत में संग्रहित किया जाएगा। अब इसका विकसित IIT मद्रास वायरलेस प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट केंद्र और IIT हैदराबाद इसके द्वारा विकसित किया गया है, यानी कि IIT मद्रास द्वारा वायरलेस प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र
और IIT हैदराबाद, इन तीन संस्थानों के द्वारा इसको विकसित किया गया है और 5G टावर और रेडियो नेटवर्क की व्यापक पहुंच को यह सुगम बनाता है। अगली न्यूज है हमारी आदर्श बीमा गांव, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम को मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, मॉडल इंश्योरेंस विलेज आदर्श बीमा गांव। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा पैट को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में बीमे को बढ़ावा देने के लिए, बीमा सेक्टर को एक्सपेंड करने के लिए, जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ साल पहले जब 2014 में NDA गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट सत्ता में आई थी तो उन्होंने क्या शुरू किया था, जनधन कार्यक्रम, जीरो बैलेंस अकाउंट जो खोले थे वो किस लिए थे, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, ताकि जो बैंक अकाउंट हैं वो घर घर पहुंचे, कि ग्रामीण क्षेत्रों के पास बैंकिंग की सुविधा नहीं होती है ज्यादातर के पास, तो बैंकिंग क्षेत्रों को घर घर पहुंचाने के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, वित्तीय समावेशन के लिए ये शुरू किया गया था जनधन कार्यक्रम, उसी की बिना पर, उसी के आधार पर आदर्श बीमा गांव भारतीय विकास प्राधिकरण ने शुरू किया गया है, शुरू किया है ये किस लिए शुरू किया है, ताकि गांवों में इंश्योरेंस की जागरूकता बढ़ाने के लिए और इंश्योरेंस सेक्टर की पैट को, पहुंच को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। तो आदर्श बीमा गांव की अवधारणा पर विचार किया गया है। 2021 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत की बीमा पैट 2001 में 2.71% थी, 2019 में 3.76%, वैश्विक औसत कितना है 7.23%। अभी संसद द्वारा पारित है बीमा संशोधन विधेयक 2021 बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने के लिए 49% से 74%। अभी बीमा संशोधन विधेयक पारित किया गया है 2021, इसमें FDI को बीमा सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में FDI की लिमिट जो है 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है, और ये अभी हाल ही में 18 जुलाई 2021 को FCI के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है, 49% से 74% बढ़ाया गया है। आदर्श बीमा गांव MIV मॉडल इंश्योरेंस विलेज व्यापक बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी प्रमुख बीमा योग्य जोखिमों से ग्रामीणों को अवगत कराया जाता है। इसमें सस्ती या रियायती कीमत पर कवर उपलब्ध कराना, अब वित्तीय सहायता दी जाएगी किसके द्वारा, नाबार्ड के द्वारा, CSR कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हमने कल भी चर्चा की थी, सरकारी सहायता गवर्नमेंट एड दिया जाएगा और पुनर्बीमा कंपनियों की सहायता दी जाएगी, पुनर्बीमा कंपनियों की इस वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अब कम से कम 500 गांवों में सबसे पहले वर्ष में लागू किया जाएगा इसको, और बाद के 2 वर्षों में 1000 गांवों तक इसको बढ़ाया जाएगा, तो ये फेज वाइज मैनर में शुरू किया जाएगा। अगली न्यूज है हमारी सोशल स्टॉक एक्सचेंज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज प्रतिभूति, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा गठित सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर एक तकनीकी समूह ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। सेबी क्या है, सितंबर 2020 में इसने तकनीकी समूह की स्थापना की, नाबार्ड के पूर्व अध्यक्ष हर्ष भानवाला की अध्यक्षता में यह समिति स्थापित की गई है। तो देखिए समितियां जो आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड है, यानी कि कैपिटल मार्केट हो या मनी मार्केट हो, दोनों से रिलेटेड, यानी कि RBI से रिलेटेड, सेबी से रिलेटेड, या जितनी भी वित्तीय संस्थान है हमारे भारत के इंपॉर्टेंट वित्तीय संस्थान, उनसे रिलेटेड जो कमेटीज हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमी का मैं बार बार कह रहा हूँ, इकोनॉमी हमारे यहाँ हमारे सिलेबस में स्पेशली इंक्लूड की गई है, तो आपको इन चीज़ों पर फोकस करना है। नाबार्ड के पूर्व अध्यक्ष हर्ष भानवाला की अध्यक्षता में इस तकनीकी समूह की गठन किया गया है, किस लिए, सोशल स्टॉक एक्सचेंज, इसमें तकनीकी समूह सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर गठित एक ये समूह है। इससे पहले इस पर एक कार्यदल और गठित किया गया था जिसकी अध्यक्षता इशात हुसैन ने जून 2020 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी। अब इसके बाद सितंबर 2020 में हर्ष भानवाला की अध्यक्षता में दोबारा तकनीकी समूह को गठन किया गया है। अब सोशल स्टॉक एक्सचेंज देख लेते हैं, ये सामाजिक उद्यम स्वैच्छिक और कल्याणकारी संगठनों को सूचीबद्ध करने के लिए एक मंच है ताकि वो पूंजी जुटा सके। अगली है लिंक फंड TLS, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है ये भी, द लिंक फंड इसका पूरा नाम है द लिंक फंड। ट्राइफेड ने द लिंक फंड के साथ भारत में जनजाति परिवारों के लिए सतत आजीविका नामक एक सहयोगी परियोजना में प्रवेश किया है, जो एक परोपकारी परिचालन नींव है और अत्यधिक गरीबी को मिटाने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए अनिवार्य है। तो जनजाति विकास और रोजगार सृजन की दिशा में एक साथ काम करने के लिए आदिवासियों को उनकी उपज और उत्पादों में मूल्यवर्धन बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करना, महिला केंद्रित बुनियादी ढांचे और नवाचार और उद्यमिता को बढ़ाने के लिए भी काम करता है। और लिंक फंड द लिंक फंड क्या है, मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, अत्यधिक गरीबी को समाप्त करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए काम करता है। तो आपको ये याद रखना है इसका उद्देश्य और इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो भारत में क्या उद्देश्य है इसका, लिंक फंड को भारत में जनजाति परिवारों के साथ सतत आजीविका यानी कि सस्टेनेबल सर्वाइवल या लिवलीहुड प्रदान करने के लिए इसको शुरू किया गया है। अगली न्यूज है हमारी, हाल ही में G7 में कौन कौन से देश है, USA, UK, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान
इसको विदेश मंत्रियों ने लंदन, विदेश मंत्रियों की इसकी लंदन यूके में बैठक हुई, 47वां G7 शिखर सम्मेलन था। हालांकि हमने इसकी पिछले लेक्चर में भी चर्चा की थी, 2021 में हुआ, जून 2021 में। मेजबान देश यूके था। अंतर सरकारी संगठन जिसका गठन 1975 में इसका गठन किया गया था। वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हितों के मुद्दों पर इसमें चर्चा की जाती है। आमंत्रित अतिथि कौन है इसमें? ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका और आसियान, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ। इसके अध्यक्ष जो है ब्रुनेई दारुसलाम, यानी कि ब्रुनेई को ही खाली इसमें इन्वाइट किया गया था। ब्रुनेई को इन्वाइट करने का मतलब क्या है? आसियान को इन्वाइट करना, क्योंकि इस टाइम ब्रुनेई आसियान की अध्यक्षता किसके पास है? ब्रुनेई के पास। अब है अगला पुलियार समुदाय, बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट। पुलियार कम्युनिटी, तमिलनाडु के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व की सीमा के भीतर पुलियार समुदाय की दो जनजातियां बस्तियां कट्टुपट्टी और कुझीपट्टी स्थानीय देवता वेरापट्टन ने अपने वार्षिक उत्सव के लिए तैयारियां की हैं। इसमें पुलियार समुदाय के बारे में हम देख लेते हैं। पुलियार समुदाय को पुलियार, पुलाया, होलेया या चेरामार इन नामों से भी जाना जाता है। केरल, कर्नाटक और ऐतिहासिक तमिलनाडु या तमिलकम में पाए जाने वाले मुख्य सामाजिक समूहों में से एक है। ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में पाए जाते हैं, यानी कि जो सदर्न स्टेट्स हैं इन तीनों स्टेट्स में पाए जाते हैं। केरल और तमिलनाडु में अनुसूचित जाति के रूप में सूचीबद्ध हैं, अनुसूचित जाति, और कर्नाटक में अनुसूचित जनजाति के रूप में, ये भी आप याद रखना है आपको। अपने संगीत, शिल्प, कौशल और कुछ नृत्यों के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसमें शामिल है कुलुम थुलाल। अभी आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कुलुम थुलाल क्या है या कुलुम थुलाल किससे संबंधित है, आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुलुम थुलाल एक मुखोटा नृत्य है, किसके द्वारा किया जाता है? पुलियार समुदाय द्वारा। इस नृत्य का उद्देश्य क्या है? भूत भगाने की रस्म है ये कुलुम थुलाल, इसमें मुखोटा पहनकर नृत्य किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये। अगली न्यूज हमारी थाड़े क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य, TCFS महाराष्ट्र। थाड़े क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी, हाल ही में पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय ने, परिवर्तन मंत्रालय ने थाड़े क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य महाराष्ट्र के आसपास एक पारिस्थितिकी अति संवेदनशील को अधिसूचित किया है, यानी कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन को अधिसूचित किया है। पहले आप देखते हैं, हम दोनों को देखेंगे, थाड़े क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य भी देखेंगे और दूसरा इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन भी देखेंगे। थाड़े क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य ये मालवन अभ्यारण्य के बाद महाराष्ट्र का दूसरा समुद्री अभ्यारण्य, ये भी याद रखिए। देखिए ये दूसरा मरीन सेंचुरी है महाराष्ट्र की, पहली कौन सी है? मालवन, और ये दूसरी है थाड़े क्रीक। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में ये मान्यता प्राप्त है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, यहाँ से एक क्वेश्चन UPSC ने IAS के प्रीलिम्स में एक बार पूछा है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बारे में। मैंग्रोव प्रजातियों की 29 श्रेणियों का घर है। राजहंस जैसी पक्षियों की 167 प्रजातियां, ये आपके लिए याद रखना जरूरी नहीं है। मछली की 45 प्रजातियां, तितलियों की 59 प्रजातियां, 67 कीट प्रजातियां और सियार जैसी स्तनधारी अन्य प्रजातियां यहां मौजूद हैं। अब पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र कौन से होते हैं? ESZ, ये पारिस्थितिकी रूप से कमजोर क्षेत्र होते हैं, संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्यों के आसपास के 10 किलोमीटर के भीतर का क्षेत्र पर्यावरणीय इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन कहलाता है। संवेदनशील कॉरिडोर वाले स्थानों के मामले में कनेक्टिविटी और पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण पेज लैंडस्केप लिंकेज के महत्वपूर्ण, यहाँ तक कि 10 किलोमीटर से अधिक चौड़ाई वाले क्षेत्रों को भी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के रूप में शामिल किया जा सकता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत, ये भी आपको याद रखना है, एनवायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट 1986 के तहत ESZ को रेगुलेट किया जाता है। इसके तहत पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा इसको अधिसूचित किया जाता है, यानी कि ESZ को किसके अंतर्गत गठित किया जाता है? एनवायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट। देखिए इससे रिलेटेड कई सारे एक्ट हैं, एक तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एक्ट है, ये 1972 में आया था। इसी तरह एनवायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट, ये आपका 1986 में आया था। इसी तरह आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट ये 1992 में आया था, ये आपको याद रखने हैं। इसी तरह आप 10 साल का डिफरेंस है। इसी तरह आपका आया था बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में आया था। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से कभी मैच द फॉलोइंग भी आ जाती है और कभी क्रोनोलॉजी भी आ जाती है। अगली न्यूज़ है आपकी दहला डैम। हाल ही में तालिबान ने अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े बांध दहला बांध पर कब्जा कर लिया है। देखिए UPSC का अगर आप ज्योग्राफिकल परस्पेक्टिव से देखें तो UPSC के लिए जो मोस्ट फेवरेट एरियाज हैं वेस्ट एशिया आपका, और जितना भी सेंट्रल एशिया के रीजन है, और आपका साउथ ईस्ट एशिया, ये UPSC के लिए बहुत फेवरेट एरिया हैं ज्योग्राफिकल परस्पेक्टिव से। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुट अप करती है कोई UPSC, तो आपको इन ज्योग्राफिकल लोकेशंस पर बहुत अच्छी पैनी नज़र रखनी है और इसकी आप आसपास की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। और आप इस बार भी देखेंगे अगर ज्योग्राफी से करंट पर बेस्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो इन्हीं तीन क्षेत्रों से ही आएगा। अब दहला बांध देख लेते हैं। दहला बांध को अरगम, ये क्या है, अरगन बंध
अरगंध दब बांध के नाम से भी जाना जाता है, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, अरगंध दब बांध के नाम से जाना जाता है। यह अफगानिस्तान के कंधार प्रांत के शाह वली कोट जिले में स्थित है। इसका निर्माण 1952 में यूएस द्वारा किया गया। यह अरगंध दब नदी पर बना है, अरगंध दब नदी पर बना हुआ है। अब अफगानिस्तान में भारत द्वारा निर्मित बांध कौन सा है? काबुल नदी पर शाहतूत बांध के निर्माण के लिए समझौता, जो अभी किया गया है हाल ही में। और अफगानिस्तान भारत मैत्री बांध, जिसे सलमा बांध के नाम से जानते हैं, यह हरी नदी पर है। यह बहुत फेमस है, अफगानिस्तान भारत मैत्री बांध, जिसको सलमा बांध पहले कहा जाता था, लेकिन उसका बाद में एनडीए गवर्नमेंट ने नाम क्या कर दिया है, अफगानिस्तान भारत मैत्री बांध, इसको हरी नदी पर बनाया गया है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि सलमा बांध के बारे में क्वेश्चन यूपीएससी ने पहले एक बार पूछा है, तो आप हो सकता है वो डायरेक्ट आपसे पूछ ले कि किस नदी पर बना हुआ है। अब इसमें अगली न्यूज है हमारी, हाल ही में हंगर वाच की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है, हंगर वाच रिपोर्ट है, ये हंगर वाच रिपोर्ट से रिलेटेड हमारा हंगर वाच, कोविड-19 ने भारत में शहरी गरीबों को उनके ग्रामीण समकक्षों की तुलना में अधिक गरीब, अधिक भूखा और कम पोषण के साथ लाकर खड़ा कर दिया। इसमें बताया गया है कि जो शहरी गरीब लोग हैं, यानी कि अर्बन जो पुअर हैं, उनकी जो हालत है कोविड-19 के बाद, वो ग्रामीण यानी कि रूरल पुअर से ज़्यादा बुरी हो गई है या उनकी जैसी हो गई है। इसके अन्य स्रोत क्या हैं? अब इसी पर बेस्ड जो हमारी कोविड-19 पर जो गरीबी पर बेस्ड, पॉवर्टी और एम्प्लॉयमेंट पर बेस्ड जो रिपोर्ट है वो उसको और किसके द्वारा जारी की जाती है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा। इसमें 207 मिलियन अतिरिक्त लोग गरीब हुए हैं, 2030 तक इसमें अत्यधिक गरीबी और हो जाएगी, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव के कारण ये सारा सब कुछ हुआ है। दूसरी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? प्यू रिसर्च सेंटर। लगभग 32 मिलियन भारतीय बताए गए हैं इसमें गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं, मध्यम वर्ग से गरीबी में आ गए हैं और बढ़ी हुई गरीबी अब इसमें बताई गई है। हंगर वाच खाद्य सुरक्षा और श्रम बल में प्रवेश पर रिपोर्ट जारी करती है। दूसरे, विनिमय समीक्षा प्राधिकरण, कौन सा है ये? सेकंड, रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी। रेगुलेशन भारत, ये किसके द्वारा जारी की गई? RBI द्वारा। रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी, ये RBI द्वारा सेकंड इसकी रिपोर्ट जारी की गई है। सलाहकार समूह का गठन किया गया है, इसमें रिजर्व बैंक ने दूसरे विनिमय समीक्षा प्राधिकरण की सहायता के लिए एक सलाहकार समूह का गठन किया है। दूसरा विनिमय समीक्षा प्राधिकरण 1 मई 2021 से एक वर्ष के लिए बनाया गया है, यानी कि आपका 1 मई से 30 अप्रैल 2022 तक के लिए ये बनाया गया है, 30 अप्रैल 2022 तक के लिए इसको बनाया गया है। नियमों को सुव्यवस्थित करने के लिए, अनुपालन बोझ को कम करने के लिए। विनियमित संस्थाएं कौन सी हैं इसमें? वाणिज्यिक बैंक यानी कि कमर्शियल बैंक्स को विनियमित किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा। शहरी सहकारी बैंकों को यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंकों को इसमें रेगुलेट किया जाएगा। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को इसमें रेगुलेट किया जाएगा। प्रक्रियाओं को इसमें सरल बनाया जाएगा और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को कम किया जाएगा। ये दूसरी सलाहकार समीक्षा प्राधिकरण का उद्देश्य है, इस सहायता जो इसका समूह का गठन किया गया है। पहला विनिमय समीक्षा प्राधिकरण कब गठन किया गया था? 1999 में ये RBI ने एक विनिमय समीक्षा प्राधिकरण की स्थापना की थी। इसमें समीक्षा के लिए विनियम यानी कि रेगुलेशन, परिपत्र सर्कुलेशन, सर्कुलर्स जारी होते हैं और रिपोर्टिंग सिस्टम, उसमें फीडबैक के आधार पर जनता से फीडबैक लिया जाता है, बैंकों से फीडबैक लिया जाता है और जितनी वित्तीय संस्थाएं हैं उनसे फीडबैक लिया जाता है। अगला है वैश्विक मीथेन आकलन, ग्लोबल मीथेन असेसमेंट। इसकी रिपोर्ट वैश्विक मीथेन आकलन, मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लाभ और लागत, इस नाम से एक रिपोर्ट का सुझाव, रिपोर्ट ने सुझाव दिया है कि दुनिया को जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे से दौर से बचने के लिए मीथेन उत्सर्जन में नाटकीय रूप से कटौती करने की आवश्यकता है। इस रिपोर्ट में क्या किया गया? रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन, क्लीन क्लाइमेट एयर अलायंस और संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम द्वारा इसको रिपोर्ट को जारी किया गया है। मीथेन, अब मीथेन क्या है? सरलतम हाइड्रोकार्बन है, इसे CH4 के नाम से जाना जाता है। ये सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है, सबसे ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है, ज्वलनशील है। इसके प्रॉपर्टीज भी पूछी जा सकती हैं, क्वेश्चन इस तरह पूछ सकती है UPSC, निम्नलिखित में से कौन सी मीथेन की विशेषता नहीं है या विशेषता है? ज्वलनशील ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, जैविक सामग्री के टूटने यानी कि इसके डिग्रेड होने से या सड़ने से उत्पन्न होती है, जैसे कि आप देखते होंगे कि धान के खेत से भी मीथेन का उत्सर्जन होता है। अगली न्यूज हमारी, भारत यूरोपीय संघ EU के नेताओं की बैठक। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने भारतीय यूरोपीय संघ EU के नेताओं की बैठक में भाग लिया। इसमें पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से थे? यूरोपीय संघ के सभी 27 देशों के नेता, यूरोपीय अध्यक्ष परिषद के अध्यक्ष यानी कि यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष, यूरोपीय आयोग यानी कि यूरोपीय कमीशन। पहली बार यूरोपीय संघ ने EU+27 प्रारूप में भारत के साथ बैठक की मेजबानी की। यूरोपीय संघ की परिषद की पुर्तगाली अध्यक्षता की पहल की गई।
वार्ता फिर से शुरू की गई द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौते बीटीआईए के लिए निलंबित जो किया गया था जिसको उसको दोबारा शुरू किया गया, इसको 2013 में निलंबित कर दिया गया था। मुक्त व्यापार वार्ता भारत ने फिर से शुरू की। इसमें अब भारत और यूरोपीय संघ ने एक मुक्त व्यापार व्यापक मुक्त व्यापार समझौता एफटीए करने के लिए बातचीत पहले 2007 में शुरू की थी, जिसे आधिकारिक तौर पर व्यापक आधारित बीटीए कहा जाता है, व्यापक आधारित बीटीआईए कहा जाता है। बीटीआईए को वस्तुओं, सेवाओं और निवेशों में व्यापार को शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया था। हालांकि बाजार पहुंच और पेशेवरों की आवाजाही पर मतभेदों को लेकर 2013 में बातचीत इसमें बंद हो गई थी। यूरोपीय संघ माल का 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था, यानी कि 2019-20 के लिए हमारे यहाँ गुड्स का सबसे बड़ा जो हमारा ट्रेड पार्टनर था वो कौन था, वो यूरोपियन यूनियन सबसे बड़ा हमारा ट्रेड पार्टनर था। चाहे एक्सपोर्ट इंपोर्ट यहाँ दोनों को मिलाकर गुड्स की बात हो रही है, यहाँ किसी एक चीज़ की बात नहीं हो रही है, हमारा जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है ट्रांजेक्शन के मामले में, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों को मिलाकर जो सबसे बड़ा हमारा गुड्स पार्टनर था, ट्रेड पार्टनर था, वो यूरोपियन यूनियन था 2019-20 में। तो कनेक्टिविटी, पार्टनरशिप, डिजिटल ऊर्जा, परिवहन और लोगों से लोगों के बीच, यानी कि पीपल टू पीपल संपर्क को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना, कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए निजी और सार्वजनिक पब्लिक और प्राइवेट वित्त पोषण को उत्प्रेरित करना, हिंद प्रशांत सहित तीसरे देशों के, तीसरे देश कौन से होते हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज में कनेक्टिविटी पहलों को समर्थन करने के लिए नई सहक्रियाओं को बढ़ावा देना। अगली न्यूज है हमारी, तीसरा आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय सम्मेलन या एएसएम। हाल ही में भारत ने तीसरे आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भाग लिया और आर्कटिक क्षेत्र में अनुसंधान और दीर्घकालिक सहयोग के लिए योजनाओं को साझा किया। अब इसकी पहली दो बैठकें कब हुई थी, आर्कटिक साइंस जो मिनिस्ट्रियल है वो पहली हुई थी 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित की गई थी, और ASM2 2018 में जर्मनी में आयोजित की गई। तीसरा आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ, आयोजित आइसलैंड और जापान में इसका आयोजन हुआ है। एशिया में पहली मंत्री स्तरीय बैठक हुई है जो जापान के टोक्यो में आयोजित की गई है। आर्कटिक क्षेत्र की सामूहिक समझ को बढ़ाने के लिए निरंतर निगरानी पर जोर देना और संलग्न करना और टिप्पणियों को मजबूत करना, इसका विषय क्या था, एक सतत आर्कटिक के लिए ज्ञान, ए नॉलेज फॉर सस्टेनेबल आर्कटिक। अगली न्यूज है हमारी, पुटोला नाच, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कल्चरल पर्सपेक्टिव से। पुटोला नाच, COVID-19 महामारी ने असम स्थित ट्रस्ट को पुटोला नाच नामक स्ट्रिंग कठपुतली के लगभग भूले बिसरे रूप पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर प्रदान किया है। जैसे कि हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि COVID-19 की वजह से गैदरिंग को रोक दिया गया था, रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी, तो इस वजह से काफ़ी सारे स्थानों पर जहां पर कुछ कल्चरल या एथनिक प्रोग्राम्स होते हैं उन पर रोक लग गई थी, जिसकी वजह से उनको बाद में दोबारा छूट प्रदान की गई। पुटोला नाच उन्हीं में से एक है, इसको असम में इसको लॉन्च किया जाता है, यानी कि इसका जो वो किया जाता है असम में, इसको मनाया जाता है, असम का कठपुतली नाच है ये। तीन क्षेत्रों में विशिष्ट विशेषताओं के साथ प्रदर्शन किया गया। इसमें ये क्षेत्र कौन से, ये तीन क्षेत्रों में किया जाता है, पहला पश्चिमी असम में बारपेटा नलबाड़ी में, दूसरा उत्तरी असम में, यानी कि आप देख सकते हैं जो असम का मैप है इस तरह का कुछ बंगाल से लगा हुआ, आपका बांग्लादेश से जो लगा हुआ मैप है असम का, उसमें पहला तो वेस्ट असम में, वेस्ट असम में यहाँ किया जाता है, फिर ये उत्तरी असम आपका, और बाकी आपका पूर्वी असम में, पूर्वी असम में माजुली द्वीप में। तो इसका मतलब माजुली द्वीप जो है वो पूर्वी असम में स्थित है। इसमें किस पर परफॉर्मेंस की जाती है, परफॉर्मेंस जो बेस्ड होती है वो रामायण और महाभारत की कथाओं पर बेस्ड होती है। कठपुतली नृत्य स्थानीय पारंपरिक रंगमंच है, भावना के लिए संवाद या मंत्र इसमें जोड़े जाते हैं। अगली न्यूज है हमारी, म्यूकॉर्मिकोकस, ये बहुत ज्यादा न्यूज में था, ब्लैक फंगस जिसे कहते हैं, COVID-19 रोगी एक गंभीर कवक संक्रमण विकसित कर रहे थे जिसे म्यूकॉर्मिकोकस के रूप में जाना जाता है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि म्यूकॉर्मिकोकस है क्या और कैसे फैलता है, जिसे काला कवक भी कहते हैं, ये फफूंद के समूह के कारण होने वाला गंभीर लेकिन दुर्लभ फफूंद संक्रमण है, यानी कि फंगल इन्फेक्शन है, पर्यावरण में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, मुख्य रूप से उन लोगों को प्रभावित करता है जिन्हें स्वास्थ्य समस्याएं, जिन्हें हेल्थ डिसीज हैं वो, या वो दवाएं लेते हैं जो रोगाणुओं और बीमारियों से लड़ने की शरीर की क्षमता को कम करती हैं, यानी कि ऐसे लोगों में जिसका प्रभाव ज़्यादा देखा गया जो हेल्थ, जिनको हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं, यानी कि जैसे कि डायबिटीज़ है किसी को लंग इन्फेक्शन है, कोई हार्ट डिसीज से इन्फेक्टेड है या कोई और बीमारियों से इन्फेक्टेड है, तो उन पर इसका प्रभाव ज़्यादा देखा गया। तो आपको ये याद रखना है ये फंगल इन्फेक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है। अगली न्यूज़ है हमारी, इसमें पर्यावरण प्रभाव आकलन, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। हाल ही में पर्यावरण मूल्यांकन समिति जिसने परियोजना पर चिंता व्यक्त की थी, अब पर्यावरण प्रभाव आंकलन अध्ययनों के लिए इसे संदर्भ की शर्तों के अनुदान के लिए सिफारिश की है, यानी कि पर्यावरण एनवायरमेंट मूल्यांकन असेसमेंट कमेटी जो है, एनवायरमेंट असेसमेंट कमेटी EAC ने क्या किया है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट आकलन असेसमेंट
नामक एक रिपोर्ट दी है जिसमें अनुदान की उसने गुजारिश की है सरकार से। इसमें इसका जो प्रस्ताव उसमें क्या शामिल है, एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांस शिपमेंट टर्मिनल, एक ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाना, एक बिजली संयंत्र बनाना, एक टाउनशिप परिसर इसमें 166 वर्ग किलोमीटर में मुख्य रूप से प्राचीन तटीय प्रणाली और उष्ण कटिबंधीय वनों में, इसकी अनुमानित लागत कितनी होगी, 75,000 करोड़ रुपए। तो ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जारी किया गया है जो तीन जोन, तीनों का कन्वर्जन जोन होता है। अगली न्यूज़ है हमारा पशु गलियारे, जो हमारे पशु गलियारे होते हैं, कॉरिडोर्स होते हैं, उनके बारे में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व के पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के भीतर कम से कम 3 पशु गलियारों पर वन भूमि की निकासी, खुदाई और निर्माण गतिविधियों के मामले सामने आए हैं। इसको 2019 में भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिए थे कि निजी भूमि पर किसी भी नए निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी जो 9 पहचाने गए पशु गलियारों का हिस्सा है, यानी कि जो 9 आइडेंटिफाइड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स थे उन पर, उनको जो आइडेंटिफाई किया गया था उन पर निर्माण की गतिविधियों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2019 में रोक लगाई गई थी। तो वन्य जीव या पशु गलियारे दो अलग अलग आवासों के बीच जानवरों के लिए सुरक्षित मार्ग होते हैं। जैसे कि देखिए, एक मान लीजिए कोई ये हरित क्षेत्र है यानी कि नेशनल पार्क का एरिया है, एक दूसरा नेशनल पार्क का एरिया यहाँ पर है इसी के सामने, लेकिन बीच में से कोई हाईवे गुजर रहा है या रोड गुजर रही है। इन रोडों को जोड़ने के, इन दोनों नेशनल पार्क को जोड़ने के लिए एक कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी बनाई जाती है, यानी कि इतने टुकड़े में से क्या किया जाता है, यहाँ से फ्लाईओवर का निर्माण कर दिया जाता है ताकि यहाँ से किसी का रोड से कोई गुजरे नहीं, बल्कि फ्लाईओवर से होकर गाड़ियाँ वगैरह व्हीकल्स या ट्रांसपोर्टेशन की आवाजाही फ्लाईओवर के जरिए हो जाए। तो इसलिए कॉरिडोर्स बनाए जाते हैं जानवरों के सुगम आवागमन के लिए। उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना बहुत इंपॉर्टेंट और छोटी सी न्यूज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री द्वारा इसका परिचालन किया जाता है। इसको लॉन्च किया गया है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना को ऑनलाइन पोर्टल 2021-22 से 2026-27 के लिए, यानी कि 5 साल के लिए इसको लॉन्च किया गया है। 2026-27 तक के लिए इसको लॉन्च किया गया है, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 से फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। 10,900 करोड़ रुपए का इसमें फंड एलोकेट किया गया है, यानी कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये, सेंट्रल सेक्टर यानी कि इसमें पूरा फंड किसके द्वारा दिया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। वैश्विक खाद्य निर्माण चैंपियन या खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांड को बनाने के लिए, यानी कि भारतीय जो खाद्य उत्पाद हैं उनको वर्ल्ड ब्रांड बनाने के लिए, ग्लोबल लेवल पर मान्यता दिलाने के लिए इसको शुरू किया गया है। अगली न्यूज़ हमारी चौथी भारत स्विस भारतीय वार्ता, फोर्थ भारत स्विट्जरलैंड फाइनेंशियल वार्ता या डायलॉग। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमी की दृष्टि से, वेरी वेरी फाइनेंशियल इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको मार्क कर लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। चौथी भारत स्विस वित्तीय वार्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। विभिन्न पहलू पर सहयोग के लिए वार्ता हुई, इसमें निवेश इन्वेस्टमेंट के पहलू पर, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंट्रल अथॉरिटी IFSCA बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में आपको पढ़ना है खुद। राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढांचा निवेश यानी कि नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF, यहाँ से एक बार क्वेश्चन UPSC ने पूछा है। फिनटेक, सतत वित्त यानी कि सस्टेनेबल फाइनेंस, और सीमा पार वित्तीय सेवाएँ यानी कि फार बाउंड्री फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इन सब पहलू पर इसमें सहयोग पर चर्चा की गई है। अब है अगली न्यूज़ हमारी राष्ट्रीय वित्तीय, लास्ट न्यूज़ है हमारी आज की, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। इसके नियामक दायरे में आने वाली कंपनियों और लेखा परीक्षकों का एक सत्यापित और सटीक डेटाबेस बनाने की प्रक्रिया है। इसमें जुड़ाव किस किस का है, कॉरपोरेट डेटा प्रबंधन CDM, कॉरपोरेट डेटा मैनेजमेंट, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय का प्रभाग, और भारत में 3 मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज। तीनों मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और हमारा तीसरा कौन सा है, कमोडिटी एक्सचेंज, शायद तीसरा वाले का नाम यही है कुछ। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA, इसमें इसके तहत ये इसका कार्य क्या है, लेखा परीक्षा नियामक, इसको 2018 में गठित किया गया कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 132(1) के तहत है। अब जहां कंपनी नियम आएगा वो अपने आप आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपके सिलेबस में अकाउंट्स दिया हुआ है और कंपनी अधिनियम अकाउंट्स का हिस्सा है। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 132(1) के तहत गठन किया गया है। इसका गठन कब हुआ, 2018 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। ये लेखा परीक्षा नियामक है यानी कि अकाउंटिंग ऑडिटर है, ये अकाउंटिंग को ऑडिट करता है या लेखाओं को ऑडिट करता है। तो हमारे आज के लेक्चर में इतना ही था, अगले लेक्चर में हम मई मंथ की पूरी करंट अफेयर्स कवर कर लेंगे और इसके बाद जो अगला लेक्चर हमारा होगा उसमें हम कोशिश करेंगे
आपको अब ऐसा प्रोवाइड किया करेंगे जैसे कि हमारे दो तीन लेक्चर्स में एक मंथ की हम करंट अफेयर कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद हम आपको पूरा कंबाइंड लेक्चर हर मंथ का दे दिया करेंगे। इसी तरह जब तीन मंथ कंप्लीट हो जाएंगे हम तीन मंथ का एक कंबाइंड लेक्चर आपको करंट करेंगे, फिर छः महीने का कंबाइंड लेक्चर देंगे, और फिर लास्ट में एक साल का पूरा कंबाइंड लेक्चर हम आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, थैंक यू।